आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। बागपत जिले के वैधिक सेवा प्राधिकरण से जनता को मिल रहा है न्याय। आज जनपद न्यायालय बागपत के नवीन परिसर में जिला वैधिक सेवा प्राधिकरण बागपत के तत्वावधान में मास्टर जनपद न्यायाधीश श्री परमानंद शुक्ला महोदय द्वारा सुबह 10:30 बजे दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया, जिसमें श्रीमती मनु कालिया नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एडिज प्रथम अतिरिक्त एडिज अतिरिक्त पुत्र तोमर श्री आबिद समीम प्रधान न्यायाधीश सीनियर डिवीजन श्री खुस्तर दानिश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री निशांत मान नायकी मजिस्ट्रेट श्री सरीब अली श्री सोमित बंसल एवं समस्त कर्मचारी गणवाद पक्ष कार उपस्थित रहे। सचिव जिला वैदिक सेवा प्राधिकरण की प्रेम प्रकाश जायसवाल द्वारा बताया कि आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों ने आपस में सुलह समझौते के आधार पर निराश्रित वादी का विकरण निम्न प्रकार से है। बैंकरण सम्मानित 71 नियंत्रण कराते हुए 6957,426 रण वसूली, सामान्य आपराधिक एवं विद्युत वाद 1,14,004 निरस्ती करते हुए। अदालत चल रही थी कोर्ट में, इसमें क्या किस लिए आए थे आप? लोन जमा करना। आपका निपटारा हो गया? नहीं जी, अभी रह गए 13,000, 20 तारीख तक दे दूंगा। सर, आज कुल जो है 2,615 मुकदमे निस्तारित हुए हैं, जिसमें कुल अर्थदंड और बैंकों की रिकवरी को अगर हम ले लें तो 1,25,00,000 के आसपास की कुल रिकवरी हुई है आज की। चाहिए आज जो बैंक की जो वो चल रही थी, इसमें किस किस विभाग के थे, कौन कौन से स्टेट बैंक, किस किस से थे? बैंक यहाँ जितने भी बैंक हैं, हमारे एक लीड बैंक जो सिंडिकेट बैंक है, इसके अलावा अन्य सारे ब्रांचों के बैंकों को बुलवाया गया था और बैंकों को पहले से नोटिस हमारे द्वारा और पुलिस प्रशासन के माध्यम से जिन लोगों ने लोन लिया है उनको भेजा गया था और प्रयास किया गया था कि लोग आके जो है आज विशेष रूप से हमारे यहाँ जो मुकदमे प्री लिटिगेशन के रूप में लोक अदालतों में लगाए जाते हैं, तो बैंक के सामान्य रूप से अपने यहाँ जो उनका ब्याज है, ब्याज को छोड़ने का प्रयास करते हैं और उसमें हम लोग भी प्रयास करते हैं कि बैंक अधिकतम जो उनके निर्धारित मापदंड में है अधिकतम ब्याज छोड़ के जो है पक्षकारों को लाभ प्रदान। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे जैसा भी जो आपकी बागपत कोर्ट अदालत के इसमें थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में आपने जो है लोक अदालत की शुरुआत की है, उससे पहले काफी मुकदमे पेंडिंग में रहे जिसमें तारीख से तारीख चलती रही। आपने इस विषय में पहल की तो हम ये चाहते हैं कि कितने लोगों का जो आपस के परिवार थे जिसमें विवाद था, उसमें कितने आपकी तरफ से? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नालसा और सालसा के द्वारा ये हमेशा प्रयास होता है कि कोई भी ऐसे मैटर जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो या फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, उनको रेगुलर कोर्टों में न लगा के जो है मध्यस्थता के माध्यम से जो है निस्तारित किया जाए। हमारे यहाँ लोक अदालतों के अलावा भी एक सुलह समझौता केंद्र चलता है। जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या फैमिली डिस्प्यूट का मैटर आता है तो या तो थाने से या फिर संबंधित न्यायालयों के द्वारा सबसे पहले वहाँ भेजा जाता है और वहाँ ये प्रयास होता है कि पहले पक्षकारों के बीच वार्ता के द्वारा जो है मामला निस्तारित किया जाए। अगर वार्ता के द्वारा उनकी मामले सेटल्ड हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर सेटल्ड नहीं होते तो फिर सामान्य रूप से जैसे न्यायालयों में मुकदमे चलते हैं वो चलते हैं, लेकिन मुकदमा चलने के दौरान भी अगर ये पक्षकारों को लगता है कि हमारे मामले में बातचीत से इस मुकदमे को समाप्त किया जा सकता है तो उस स्तर पे वो सुलह समझौता केंद्र में मामले भेजते हैं और वहाँ हम लोग प्रयास करते हैं कि बातचीत से उनके बीच का रास्ता निकाला जाए और अगर सुलह के माध्यम से वो निस्तारित हो सकते हैं तो सुलह के माध्यम से उसको हम कराते हैं। जी नहीं, जैसा साहब, आपने जो है इतनी लोक अदालत के विषय में जो है कोर्ट परिसर में आपने पहल की और उससे पहले जो समाज के सूत्रों के द्वारा पता लगते रहे, इतना कभी कोई पहल नहीं हो लोक अदालत के विषय में, तो फैमिली परिवार है कोई भी है उसमें आपने जो है पहल की लोक अदालत में जो है नहीं निमट रहा तो उससे निमटवाने का? देखिए, ये जो भी प्रयास है, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं और इस पूरे प्रयास का श्रेय जो है सर्वप्रथम हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के साथ साथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देना आवश्यक है।
उपरोक्त संस्थाओं के द्वारा लगातार हम लोग का मार्गदर्शन, सहयोग और मोटिवेशन होता है, जिसके आधार पर हम लोग बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा दो क्वेश्चन और जज साहब आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसा अन्य किसी दूसरे स्टेट में कोर्ट है, उनमें कोई भी केस है, फैमिली का है कि किसी का विवाद का है, कोई कोई झगड़े का है, उसे तुरंत प्राइमरी पे उस पर लिया जाता है। हमारे यहाँ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ज्यादा खींच रहे, इसका वजह कारण क्या है? देखिए, हालांकि इस बिंदु पे मुझे कहना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन सामान्य प्रक्रिया ये है कि जहाँ पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, निश्चित रूप से उस पर थोड़ा सा जो है वहाँ समय ज़्यादा लगता है, और उसी का ये विकल्प जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बनाया गया है कि जहाँ मुकदमे की जो बहुत छोटे पिटी ऑफेंसेज हैं, जिसको हम मुकदमे लड़ के अगर निस्तारित कराते हैं तो भी बहुत सामान्य जुर्माना या अर्थदंड होता है, तो ऐसे मामलों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोक अदालतों के माध्यम से इसको जल्दी से जल्दी निस्तारित कराकर इस पेंडेंसी को कम किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी देखिए इस समय पूरा गाइडलाइन है कि जितनी खाली कोर्टें हैं अधिकतम भरी जाएं, और निश्चित रूप से अगर सारी कोर्टें भरी रहेंगी